सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अगेन माय न्यू ब्लॉग। गाइस आपका फिर से अभी का स्वागत है। अभी गाइस टाइम हो रहा है 6 बज चुके हैं और एकदम मस्त। अभी आज का दिन तो पूरा मैंने ब्लॉग किया ही नहीं था, आज मन भी नहीं था ब्लॉग करने का, बट यार ऐसे हुआ ना, अचानक से वेदर चेंजेस हो गए और मस्त वाली बारिश आनी स्टार्ट हो गई। और बारिश में यार मतलब ब्लॉग नहीं बनेगा तो क्या ही फिर मज़ा आएगा। और चलिए अभी जाते हैं और वेदर दिखाता हूं आपको क्या मस्त हुआ है। अभी ये देखिए एक नंबर वेदर हुआ यार, बहुत ही मस्त। अभी उस साइड से आके देखते, ऐसे लग ही नहीं रहा कि ये अभी हुआ है। जस्ट 10-15 मिनट के अंदर ये पूरा जादू हो गया है। सो चलिए अभी निकलते, अभी जाते कैंपस के अंदर, साइकिलिंग करते, थोड़ा सा घूम लेते आज। पूरा दिन में रूम में बैठ बैठ के बहुत ज़्यादा बोर हुआ। सो जाते हैं अभी थोड़ा सा साइकिलिंग करते। और बारिश गिरी है अभी, मस्त बारिश हुई है, एकदम हल्की हल्की बरसात हुई ना, तो अभी जाते और साइकिलिंग करते करते मस्त मज़ा लेते। यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे, अभी उसके अंदर बच्चे खेल रहे। साइकिल अपनी यहाँ की गीली गीली हो गई है, अचानक से बारिश आ गई और फिर सबको अंदर जाना पड़ा। चलो अभी मैं भी निकलता हूँ, थोड़ा साइकिलिंग करता हूँ जाके। मेरी साइकिल में से आवाज़ आ रहा है ब्रेक में से, क्या मालूम है क्या हो गया अचानक। चलो छोड़ो जाते हैं। अभी गाइस मैं जाने वाला हूँ जिम खाना, जो कि यहाँ पर है, एकदम मस्त जिम खाना है। और मेरे साथ है गौरव, ये जाने वाला है जिम करने के लिए ना, तो इसके साथ मैं भी जाऊँगा। थोड़ा सा जिम करूँगा तो नहीं, बट उसकी वीडियो निकाल के आपको दिखाऊँगा, ट्राई भी करूँगा एक दो, क्या बोलते हैं उठाने सेट्स। अरे सेट्स ना, सेट्स देखूँगा अगर मेरे से उठते हैं नहीं। यहाँ से अभी जा रहे हैं हम फर्स्ट प्राइम मार्ट, क्योंकि इसको ना नैपकिन लेना है और मुझे भी थोड़ा सा मतलब देख लेते कुछ जूस वगैरह ले लेते हैं, और यहाँ से जाते फिर सीधा जिम खाना। चलो फटाफट, पूरे दिन रूम में बैठ बैठ के बोर हुआ था तो फाइनली यहाँ पर आके मस्त लग रहा है। चलो ये अपना प्राइम मार्ट है और यार यहाँ से मस्त लुक आता है, बहुत देर के बाद आ गया केसरिया तेरा। चल सो अभी हम बाहर निकले ना, तो अचानक बारिश आने लग गई और फिर से एक बार मूड एकदम रिफ्रेश हो गया। और कैसा लग रहा है गौरव? फिर अच्छा लग रहा है गौरव भी, अभी शर्मा रहा है यार, मतलब पहले जैसा एकदम मस्त लग रहा है। तो चलो अभी जाते, ये जाएगा जिम में और मैं जाके जिम की वीडियो निकालूंगा। चलो निकलते। भाई साहब पूरा पानी पानी हो रखा है, ठीक से चलाना पड़ेगा नहीं तो पानी के अंदर ही। जो आपको पीछे दिखाई दे रहा है वो अपने IIT मद्रास का सबसे ब्यूटीफुल और सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। यहाँ से पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टार्ट होता है और देन ये वाला पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर से खेलने के लिए छोटे छोटे ग्राउंड है, बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल सब कुछ है यहाँ पर। तो चलिए अभी हम जाने वाले इसके अंदर। ये अपने डियर्स कितने मस्त मस्त लगते हैं यार, कैमरा लेके आने चाहिए था अभी। अभी हमको गौरव बताएगा कि क्या क्या ये है इसके नाम, जो कि मुझे नहीं मालूम ना, तो ये बता देगा। बता गौरव भाई। ये दो ग्राउंड है, वो वॉलीबॉल के, हाँ वो दो ग्राउंड बास्केटबॉल है इंटरनेशनल साइड, हाँ और उधर तीन टेनिस कोर्ट है। अच्छा उस साइड, हाँ उस साइड पे तीन टेनिस कोर्ट है और यहाँ पे कैलिस्थेनिक्स है, मतलब वो पुलअप्स पुशअप्स। हाँ हाँ हाँ। और ये अपना पूरा बड़ा वाला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर छोटे छोटे स्पोर्ट्स। हाँ तो चलिए अभी जाएंगे इसके अंदर। और यार वेदर देखो यार, सच में बहुत ही मस्त। सो गाइस फाइनली हम आए थर्ड फ्लोर पे और ये अपना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का जो भी है ना थर्ड फ्लोर है। और थर्ड फ्लोर पे दो चीज़ें होती है, चेस और स्कॉच, ये दो चीज़ें चलती है थर्ड फ्लोर पे। एक तो इस साइड में है और दूसरा है उस साइड में है। अभी यहाँ पर कोई नहीं है, इसके वजह से आपको एकदम मस्त दिखाई देगा। ये देखो यहाँ पर ऐसे ऐसे डेस्क रखे हुए, इसके ऊपर चेस के जो भी बोर्ड होते हैं वो रखे हैं, देन यहाँ पर बच्चा आके खेलते हैं। और ये अगर कभी ज़रूरत पड़ी ना तो यहाँ पर योगा भी होता है, तो योगा के लिए देखो यहाँ पर ऐसा सब कुछ लगाया रखा है। और ये चेस, ये है सामने स्क्वाश, अभी ये जाके देखते कैसा है क्या है। यहाँ पर स्क्वाश खेल रहे हैं बच्चे लोग, सो अभी यहाँ पर है ना स्क्वाश खेला जा रहा है, जो कि अपना दोस्त है अभिषेक, अभी देखते हैं इसका गेम कैसे है। चल तो चलिए अभी जाते अपना ये जिम खाना है और देखते जाते। देखो रुचिर सिखा रहे शेखर को।
रुचिर को बहुत अच्छा था। तो गाइस अभी हमने इस साइड का देख लिया, अभी इस साइड एक दूसरी जिम है तो इसका भी देख लेते टूर एकदम मस्त। इसका भी निकाल, ये हमारा टॉपर, ये हमारे टॉपर भैया थंबनेल में डालना है सर। सो गाइस अभी आप देख सकते हैं फॉरेनर स्टूडेंट जो कि आए ना प्रोग्राम एक्सचेंज के लिए, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं जिम में जिम करने के लिए। जोर लगा के चाचा राम राम आ जाओ अभी बानर से ना आ गए अपनी पूरी। क्या हुआ? सो चलिए अभी अपना मेरा वेट चेक करता हूँ मैं कितना है। चप्पल निकाल के यार। सो अपना वेट है अभी 62, अरे 67, इतना है नहीं फेंके वेट। 60 ऑफिशियली 60 है फेंके पूरा। यहाँ पर है वेट लिफ्ट वाला जो कि आपको दिखाता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं यहाँ पर वेट लिफ्ट ही है ना। आज मैंने मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम जिम में जाके एक्सरसाइज किया और एक्सपीरियंस यार सच बताओ ना मन कर रहा है मेरा अभी डेली जाऊँ, लेट्स सी देख लेते, बट बहुत मज़ा आया सच में। और आपने भी देख लिया होगा अपने IIT मद्रास का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एकदम बोलते हैं ना यार सुपर डुपर एकदम मस्त है अपना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत अच्छा है। आप भी बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, या फिर गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम पर बता सकते हो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए। जैसे कि आपने मुझे बताया था कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ही बनाओ, तो फाइनली वो बन चुकी है और आपने देख ही लिया होगा कैसा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है। तो चलिए अभी थोड़ा सा फ्रेश होता हूँ, थोड़ा फ्रेश हो लिया है और भूख लगी है बहुत ज़्यादा, जिम एक्सरसाइज किया बहुत मज़ा आया। अभी मैगी है मेरे पास जो कि मैंने लाई थी डीमार्ट से और बनाने का मन ही नहीं करता, बहुत ज़्यादा बोर हो जाता हूँ, फटाफट मैगी बनाता हूँ और खाते। अपनी मैगी बन के रेडी हो गई है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है यार, क्या हो रहा है ये। सो मैगी खाता हूँ फटाफट जो कि एकदम मस्त लग रही है मुझे, तो अभी खाते और मिलता हूँ मैगी खाने के बाद। कट कट।